हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी से संबंधित परीक्षा में आए हुए विभिन्न शाखाओं से संबंधित प्रश्न। स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे ये इस तरीके के क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में आते हैं आपके, वो चाहे यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो, आरआरबी का, ग्रुप डी, एनटीपीसी, ठीक है, यूपीएससी का, मंडी परिषद का, जूनियर असिस्टेंट्स का, ठीक है, बीएड हुआ, इन सभी के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हैं उनमें आपके जनरल साइंस में से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनमें बायोलॉजी के ये विभिन्न शाखाओं से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चलिए, इस वीडियो में हम लोग पूरा एक साथ जितनी भी शाखाएं होती हैं हम लोग कोशिश करते हैं लगभग लगभग सब हम लोग देख सकें। तो कुछ शाखाओं, कुछ इंपॉर्टेंट शाखाओं, ब्रांच के बारे में हम लोग, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी हम लोग देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, पहला देखिए टॉपिक है स्टूडेंट्स मॉर्फोलॉजी, आकार की। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी यानी बायोलॉजी जो होता है आपका जीव विज्ञान, इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है जंतु विज्ञान, दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान, ठीक है। एक होता है बॉटनी, दूसरा होता है जूलॉजी, ठीक है। तो ये जो होता है मॉर्फोलॉजी, इसमें देखिए क्या है, जंतु विज्ञान, ठीक है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, या बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत जंतुओं के, इसमें है देखिए जंतु विज्ञान है। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं के बाह्य रूप, रंग, आकार, आकृति का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं के बाह्य रूप, उनके आकार, उनका रंग, उनका आकृति, इसका स्टडी करते हैं, तो इस शाखा को हम कहते हैं जंतु विज्ञान, ठीक है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल या ऑफ द लिविंग बींग्स, इन विच वी विल स्टडी द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मीन्स कलर, शेप, साइज, ठीक है। वी स्टडी दिस टाइप ऑफ थिंग्स, दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी, ओके। नेक्स्ट है साइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ सेल्स, ठीक है, कोशिका का अध्ययन। दिस ब्रांच ऑफ द ब्रांच इन विच वी स्टडी द सेल्स, तो दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं उस शाखा को कहते हैं साइटोलॉजी। अगला है एनाटॉमी, तो शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन, वही है कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ठीक है, दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड एज एनाटॉमी। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी, ऊतकों का अध्ययन, दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द टिश्यूज ऑफ द बॉडी, ठीक है, ऊतकों का अध्ययन करते हैं, तो दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। अगला है जंतुओं का वर्गीकरण, ठीक है, टैक्सोनॉमी, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल एंड प्लांट्स बोथ, ठीक है। हम जब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पौधों और जंतुओं के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं तो दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। अगला है ऑर्निथोलॉजी, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द बर्ड्स, वी स्टडी अबाउट बर्ड्स, दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड एज ऑर्निथोलॉजी, जिसमें हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। पैलियो बायोलॉजी में या पैलियोन्टोलॉजी भी इसको कहते हैं, तो इसमें हम जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, मतलब द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द फॉसिल्स या वी स्टडी अबाउट द फॉसिल्स, तो दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड एज पैलियो बायोलॉजी या पैलियोन्टोलॉजी। नेक्स्ट है जेनेटिक्स, इसमें क्या कहते हैं, आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं, तो द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द हेरिडिटरी कैरेक्टर ऑफ द लिविंग बींग्स, दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। नेक्स्ट इकोलॉजी, इसमें हम इकोसिस्टम का अध्ययन करते हैं, वी स्टडी अबाउट द इकोसिस्टम, दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। नेक्स्ट है फ्रेनोलॉजी, फ्रेनोलॉजी में हम क्या करते हैं, मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन करते हैं, मतलब वी स्टडी अबाउट द different parts of our brain in which all activity functions are included, ठीक है, that branch of called as phrenology, मतलब brain के विभिन्न भागों का different parts का हम study करते हैं। Next है ichthyology, ichthyology में हम fishes का, मत्स्य का, मछलियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, the branch of science in which we study about fish is called as ichthyology।
नेक्स्ट एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन, वी स्टडी अबाउट इंसेक्ट इन दिस ब्रांच। नेक्स्ट पैरासीटोलॉजी मीन्स पैरासाइट्स का हम स्टडी करते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द पैरासाइट्स, दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड एज पैरासीटोलॉजी। नेक्स्ट है मेलाइकोलॉजी, इसमें मोलस्को का अध्ययन करते हैं, पाइला होता है, पाइला तो ये मोलस्क से का होता है, मोलस्का होता है, तो द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द मोलस्का, देन दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड एज मेलाइकोलॉजी। देन जीरेंटोलॉजी, तो इसमें क्या, ये देखिए क्वेश्चन आता है जीरेंटोलॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीरेंटोलॉजी व फ्रेनोलॉजी व पैलियंटोलॉजी ये सब आते हैं कि, तो जेरेंटोलॉजी में क्या होता है, वृद्धावस्था का अध्ययन कहते हैं। अगला है ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी में स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड एज ऑन्कोलॉजी। टेराटोलॉजी में शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन, मतलब डिफरेंसेस और स्टडी ऑफ द डिफरेंसेस इन आवर बॉडी डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज टेराटोलॉजी। नेक्स्ट ऑस्टियोलॉजी, इसमें अस्थियों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट सेरोलॉजी, इसमें ब्लड सीरम का स्टडी करते हैं। नेक्स्ट सर्पेंटोलॉजी में स्नेक्स का, ये सांपों का अध्ययन करते हैं। हर्पेटोलॉजी में आपके जो एम्फीबिया होते हैं एंड सरीसृप्स होते हैं, इनका अध्ययन करते हैं। अगला देखिए इथोलॉजी है, जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन होता है, इसमें ब्लड का अध्ययन होता है। हिमेटोलॉजी में स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ एंट मतलब चींटियों का अध्ययन हम करते हैं तो मर्मिकोलॉजी। नेक्स्ट स्टडी ऑफ पॉइजन हम अध्ययन करते हैं, विष का अध्ययन करते हैं तो टॉक्सिकोलॉजी। फिर भ्रूणीय विकास का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो तो एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट है जिनेकोलॉजी है, तो ये क्या होता है, गायनेकोलॉजी सॉरी, तो इसमें प्रजनन एवं प्रसव से संबंधित सभी स्त्री रोगों व समस्याओं का अध्ययन करते हैं गायनेकोलॉजी में, ठीक है, मीन्स रिप्रोडक्शन और प्रेगनेंसी से रिलेटेड सभी जितने भी आपके फीमेल डिजीज होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका स्टडी होता है ये ब्रांच गायनेकोलॉजी। नेक्स्ट ओनेरोलॉजी, इसमें स्वप्न का अध्ययन होता है, ठीक है, मतलब ड्रीम्स जो ये सपने देखने का जो ये होता है कि हाँ इससे क्या होता है कि ये सपना देखा तो क्या हुआ, ये हमें आया सोते समय जो हम लोग दिखाई देता है उसका मतलब क्या होता है, तो उसके बारे में जो स्टडी होता है उसको बोलते हैं ओनेरोलॉजी। नेक्स्ट है रोग विज्ञान, स्टडी ऑफ डिजीज इज कॉल्ड पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हिमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ लीवर इज कॉल्ड हिपेटोलॉजी, चेतना शून्य करने का अध्ययन मतलब जब हम दिमाग एकदम हमारा ब्लैंक हो जाता है उसका स्टडी अगर हम करते हैं तो ये होता है एनेस्थियोलॉजी। नेक्स्ट मानव विकास एवं संस्कृति का अध्ययन होता है तो ये एंथ्रोपोलॉजी होता है। स्टूडेंट्स आई होप कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसको जरूर से शेयर कीजिएगा, और अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दिस टाइप्स ऑफ न्यू अपडेट्स फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियो, और अभी और भी इसी तरीके के वीडियोज़ देखने के लिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर से जाके देखिए, वहाँ पे आपको डेली सीरीज के करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और भी सारे सॉल्व पेपर आपको मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप